नमस्कार, मैं पवन चौधरी। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन 20 क्वेश्चन का। जो टॉपिक थे आपके ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो 20 क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं एक एक का। देखो सबसे पहला क्वेश्चन था एथाइन में त्रिबंध निर्मित होता है। तो देखो जो एथाइन होता है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो तो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसके अंदर यही था कि एक सिग्मा तथा दो पाई बॉन्डों से एथाइन निर्मित होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था फ्लोरीन अणु के बनने में बंद होगा। तो देखो फ्लोरीन अणु आपको बताया था, फ्लोरीन अणु कब बनता है? फ्लोरीन अणु जब पी पी के बीच में दोनों ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि फ्लोरीन है पी ऑर्बिटल का होता है, इसलिए पी पी जब ओवरलैपिंग होगी तो एफ टू अणु बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्न प्रकार के अतिगठन द्वारा एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो आपको मैंने बताया था जब ओवरलैपिंग पढ़ाई थी उसके अंदर, तो एक ही जो ओवरलैपिंग है कौन सी? पी पी ओवरलैपिंग, और वो भी कौन सी? कोलैटरल। कोलैटरल ओवरलैपिंग के अंदर क्या होता है? आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन होगा, पी पी कक्षकों का पार्श्विक अतिगठन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, एक युग्म बंध दो परमाणुओं को जोड़ता है, उसमें सहवाधिक इलेक्ट्रॉन है। तो एक जो बंध युग्म होता है, बंध युग्म का मतलब है ये युग्म, ठीक है। दो परमाणु कोई से भी हो सकते हैं, तो इनको जोड़ेगा तो इनमें सहवाधिक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? चार इलेक्ट्रॉन होंगे। सहवाधिक इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका। तो दो जो बंध युग्म हुआ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? चार इलेक्ट्रॉन हो गए। पांचवा क्वेश्चन, ओजोन अणु के कोणीय आकार में होते हैं। तो ओजोन अणु का जो कोणीय आकार है वो ऐसा होता है, आपको जब जो डेटी बॉन्ड है या उप सहसे जब बॉन्ड है जब पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था कि ओजोन अणु ऐसे बनता है, उसके अंदर आपका जो बॉन्ड है वो कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इसके अंदर आपके क्या क्या बनते हैं? इसके अंदर एक तो पाई बॉन्ड होता है और दो सिग्मा, एक पाई और दो सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड बनेगा। छठवां क्वेश्चन, सबसे छोटा सीसी बंध उपस्थित है। तो देखो सबसे छोटा कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो एसपी एसपी के बीच में होता है, क्योंकि एसपी एसपी के बीच में कौन सा बनता है? आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन। साथ में देखो जल के अणु में बंध कोण लगभग होता है, तो जल के अणु में जो बंध कोण है वो 104 डिग्री और 30 मिनट के समथिंग होता है। किसके कारण? इसके अंदर दो लॉन पेयर आते हैं, ध्यान रखना जो VSEPR थ्योरी अपन ने पढ़ी है उसके अंदर जो लॉन पेयर है इसके अंदर दो आते हैं, जिसके कारण जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है? 2.5, एक लॉन पेयर आता है तो 2.5 की कमी होती है। तो दो लॉन पेयर आ गई तो कितनी कमी होगी? 5 की कमी होगी। तो इसके अंदर इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो जाता है? घट के 104 डिग्री 30 मिनट का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित BF3NH2-NO2- तथा H2 अणु या आयनों में से किसमें केंद्रीय परमाणु sp2 संकृत है? तो देखो इसके अंदर डी ऑप्शन BF3 तथा NO2- BF3 बोरोन कौन से ग्रुप का है? थर्ड ग्रुप ए का, और फ्लोरीन कितने जुड़े हुए हैं? 3, 6/2 किया तो 3। तीन ऑर्बिटल यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp2। ऐसे NO2- के अंदर देखो पांचवे ग्रुप में आता है नाइट्रोजन और एक इसमें नेगेटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, तो इसको भी 6/2 किया तो 3। तीन ऑर्बिटल यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। तो दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp2। तो इसके अंदर आपका डी ऑप्शन। फिर नवा कौन सा अणु रैखिक है? तो इसके अंदर CO2। CO2 कैसा होता है? ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होती है CO2 की, ठीक है। फिर देखो दसवां, निम्न में से किस अणु में त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति है? तो समतल त्रिकोणीय ज्यामिति है, sp2 की जो आकृति है वो कैसी होती है? समतल त्रिकोणीय। तो इसके अंदर BF3 की जो आकृति होगी वो कैसी होगी? समतल त्रिकोणीय होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 देखो, एक sp3 संकृत कक्षक में होता है। तो sp3 संकृत कक्षक में 1/4 s कैरेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे 25% s कैरेक्टर होते हैं। टोटल 100% में से आपका sp3 के अंदर पूछा है तो चार ऑर्बिटल है, तो चार ऑर्बिटल में से s का परसेंटेज कितना हुआ? 25%, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रजाति के किस युग्म में दोनों प्रजातियों की ज्यामिति समान है? तो इसके अंदर आपका डी ऑप्शन SO42-ClO4-। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर 8 ऑर्बिटल, मतलब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो
ज्यामिति भी दोनों की समान होगी। 13वां क्वेश्चन sp3d संकरण द्वारा बनने वाली यौगिक की संरचना होगी, तो sp3d संकरण में जो ज्यामिति है वो कौन सी बनती है, त्रिभुजीय द्विपरिमाणीय है या त्रिकोणीय द्विपरिमाणीय है। 14वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस बंधन में केंद्रीय परमाणु sp3 संकृत कक्षक का प्रयोग नहीं करता, तो इसके अंदर आपका BeF3- है, इसमें संकरण कौन सा होगा, देखो बेरिलियम दूसरे ग्रुप का आता है सेकंड का, और तीन फ्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक क्या जुड़ा हुआ है माइनस चार, तो ये 6/2 किया तो कितना हो गया 3, तो तीन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो sp2 संकरण होता है ना कि sp3। 15वां क्वेश्चन देखो, OF2 अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना संकृत है, तो ऑक्सीजन 6वें ग्रुप का और दो इसके अंदर फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 8/2 किया तो 4, चार ऑर्बिटल यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 16वां देखो, HCF4 अणु की आकृति है, HCF4 अणु की जो आकृति होगी कैसे बनता है HCF4, ये Fc और ये आपका ये चार फ्लोरीन कॉर्नर से जुड़े हुए हैं, तो ये वर्ग समतलीय संरचना बनती है आपकी HCF4 की, ठीक है। 17वां देखो, निम्न में से किस संकरण के लिए बंद कोण अधिकतम है, बंद कोण अधिकतम किसके लिए होता है एसपी के लिए, कितना होता है 180 डिग्री, सबसे ज्यादा होता है, और एसपी2 के लिए 120 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद में 18वां देखो, CH बंद दूरी दीर्घतम है, तो बंद दूरी दीर्घतम किसमें होती है, मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है वो किसमें होती है, तो देखो जो इसमें ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, ये आपका डबल बॉन्ड हुआ इसमें उससे भी कम, और सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होती है, तो इसमें एग्जांपल देखो, आपको तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, C2H2 वो क्या है, ये आपका एथाइन हुआ, ये C2 और H2, ये एथाइन हुआ, मतलब इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे C2H4 के अंदर क्या होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे आपका थर्ड जो एग्जांपल था वो था C2H4Br2, तो देखो यहाँ पे C2H4 की बात करते हैं तो ये आपका चार, तो इसके अंदर क्या हो गए हाइड्रोजन हो गए, देखो तो चार तो हाइड्रोजन हो गए और क्या जोड़ना था दो ब्रोमीन, तो ये दो ब्रोमीन, तो इसके अंदर सभी बॉन्ड है वो कैसे हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से स्पीसीज में sp3 संकरण सम्मिलित नहीं है, तो CO2 के अंदर क्या होता है sp3 संकरण सम्मिलित नहीं है, इसके अंदर कौन सा संकरण है CO2 के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, HCF4 में संकरण है तो इसके अंदर आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, HCF4 इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होता है HCF4 का, या तो इससे रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन पूछता है या फिर CDCs की सेम पूछता है, तो दोनों का ध्यान रखना है कि वर्ग समतलीय तो इसकी संरचना होती है स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, और इसके जो हाइब्रिडाइजेशन हो क्या होगा sp3d2।